28 और 29 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण इतना पावरफुल है कि आपको सावधानी रखनी पड़ेगी कुछ राशि वालों को, लेकिन बहुत ज़्यादा धन का लाभ देने वाला है। और ये 6 राशियाँ होंगी धन से सराबोर। कौन सी हैं वो लकी राशियाँ जिनको आने वाला समय इतना अद्भुत लाभ देगा जिसकी कोई हद ही नहीं है। जय श्री राम। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप यूं ही तरक्की करते रहें, यह ब्लेसिंग्स आपको देती हूँ। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर शेयर करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य प्रेषित करना। आश्विन मास की पूर्णिमा शनिवार दिनांक 28 और 29 अक्टूबर को ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 2023 में, और संपूर्ण भारत में ये चंद्र ग्रहण खंडग्रास चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, दिखाई देगा तो दिखाई देगा यानी सावधानी अपेक्षित है। ग्रहण संबंधी सभी नियम कायदों का आपको पालन करना पड़ेगा। भारत के अलावा ये ग्रहण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सहित एशिया महाद्वीप के समस्त देशों में जैसे रूस, चीन, जापान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब में दिखाई देगा एवं हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर में भी दिखाई देगा। ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण का प्रारंभ और समाप्ति काल भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार इस प्रकार रहेगा। ये ग्रहण प्रारंभ होगा 25:05 पर, ग्रहण का मध्य होगा 25:44 पर, ग्रहण समाप्त होगा 23 पर और पर्व काल है 1:18। इस ग्रहण का सूतक दिनांक 28 अक्टूबर शनिवार को सायं 4:05 से शुरू हो जाएगा। सूतक शुरू होने के बाद से बालक, वृद्ध व रोगियों को छोड़कर अन्य धार्मिक जनों को भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के समय सूतक का विशेष महत्व होता है और इस दौरान आपको मूर्ति स्पर्श, अनावश्यक खाना पीना, निद्रा, मैथुन, नाखून काटना, तेल इत्यादि का यूज़ नहीं करना चाहिए, ये वर्जित माना गया है। आपको शारीरिक शुद्धि के साथ में मानसिक शुद्धि भी रखनी अपेक्षित होती है। ग्रहण काल में झूठ नहीं बोलना, बेवजह वाद विवाद नहीं करना, आपको इन सब बातों का पालन करना चाहिए। ग्रहण काल में पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी और फल ग्रहण काल में दूषित हो जाते हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन तेल या घी से पका अन्न, घी, तेल, दूध, दही, लस्सी, पनीर, अचार, मुरब्बा में तिल या कुशा रख देने से वो दूषित नहीं होते। सूखे खाद्य पदार्थ, गेहूं, चना, दाल, आटा, चीनी में कुशा या तिल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आइए एक थंबनेल पर आते हैं और उन 6 राशियों के बारे में बताते हैं जो धन से सराबर होंगी। लेकिन पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण है जो अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में घटित हो रहा है। अतः अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि वाले लोगों के लिए विशेष अशुभ फलप्रद रहेगा। उनको चंद्र ग्रहण की शांति करा लेनी चाहिए और अपने स्वामी मंगल देव का जप करना चाहिए। आइए 12 राशियों के बारे में बात करते हैं और उन राशियों के लिए ग्रहण का क्या फल होगा वो आपको बताते हैं। मेष राशि के लिए दुर्घटना का भय है। वृषभ राशि वालों को धन की हानि होगी। मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रहण अत्यंत शुभ होगा। धन से सराबर होने का मौका मिलेगा, उन्नति होगी, प्रगति होगी, हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ के अवसर आपको उत्साहित करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहण बहुत शुभ होगा। धन, वैभव और सुख संपदा में वृद्धि होगी। धन से सराबर होगी ये राशि। सिंह राशि वालों के लिए कई इंसल्ट हो सकती है, कोई आपकी बेइज्जती कर सकता है, आपको मान हानि का भय है इस ग्रहण से, तो आपको सावधानी रखनी अपेक्षित है और ग्रहण संबंधी दान जिन राशियों के लिए अशुभ है उनको अवश्य ही करना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए भी बहुत कष्ट होगा और आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण बहुत शुभ हो गया है और ग्रहण काल में
वृश्चिक राशि वालों को बहुत लाभ होगा। कार्य की सिद्धि होगी, जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे वो पूर्ण हो जाएगा और पूर्ण फल आपको मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए ये ग्रहण चिंता और पीड़ा देगा। मकर राशि वालों के लिए ये ठीक ठाक रहेगा। प्रयत्न प्रयास करने पड़ेंगे, जिससे आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके जीवन में खुशियाँ और सुख आएंगे। लेकिन रोग का भय है तो सावधानी रखना अपेक्षित है। कुंभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण बहुत शुभ होगा और आपको धन का लाभ होगा। मीन राशि वालों के लिए खर्चे बढ़ेंगे लेकिन धन का लाभ भी होगा, तो आपको भी ये ग्रहण अच्छा रहेगा, लेकिन व्यर्थ खर्चे से बचे रहेंगे तो आपको फायदा होगा। तो हमने सभी राशियों का भविष्यफल बता दिया। और ये इस ग्रहण की खास बात है, आश्विन मास में शनिवार को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अतः कहीं प्राकृतिक प्रकोप हो सकता है, भूकंप से जनधन की हानि हो सकती है, लोहा ऑयल लाल रंग की वस्तुएं महंगी हो सकती हैं, प्रशासन में मतभेद हो सकता है, वैद्य और डॉक्टरों और व्यापारियों के लिए ग्रहण पीड़ादायक होगा। जिन राशियों के लिए शुभ है वो अगर इस क्षेत्र में बिजनेस करते हैं तो उनको कष्ट पीड़ा हो सकती है। और चीन, ईरान, इराक, अफगानिस्तान आदि क्षेत्रों में, देशों में अशांति रहेगी, भय रहेगा और भूकंप आदि की घटनाएं इस ग्रहण के द्वारा हो सकती है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, जिससे आपको लाभ मिले। थैंक यू सो मच।